नमस्कार दोस्तों, प्लम्बर पांडे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मोनोब्लो पंप का ये स्प्रिंग वाल कैसे बदला जाए वो दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि प्लम्बर की लेटेस्ट वीडियो आप तक टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये चाबी है 13 नंबर की चाबी। इस तरीके से दो नट खोले जाएंगे, नट बोर्ड ये देखिए इस तरीके से ये लगे रहते हैं दोस्तों मोटर में। इस मोटर में पानी सूखने की परेशानी हो गई थी दोस्तों, हैंडपम्प में भी पानी नहीं आ रहा था और मोटर से भी पानी नहीं आ पा रहा था। एक थोड़ी फॉल्ट हो गई थी स्प्रिंग वाल की दोस्तों, इसलिए हम इसे खोल के बदल के दिखाने जा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए कुछ इस तरीके से है, ये मोटर के नट खोल रहे हैं दोनों दोस्तों। इसी के बीच में ये वाशर लगी हुई है दोस्तों, देखिए जिस तरीके से खुल जाएगा। ये देखिए ये वो वाशर है दोस्तों, ये देखिए कुछ इस तरीके से फंस रखा है, इसे निकाल देंगे यहाँ से। ये देखिए दोस्तों कुछ टूट गई है ये वाशर दोस्तों, ये देखिए स्प्रिंग वाल है ये टूट गई है, ये देखिए इस तरीके से कुछ हिस्सा फंस चुका है वहीं, ये देखिए। अब देखिए दोस्तों नए लगा के दिखाएंगे हम इसकी जगह, तो नई स्प्रिंग वाल होगी वो लगा के दिखाएंगे हम आपको। ये देखिए इस तरीके से हमने एक पैकेट लाया था नज़दीक में हार्डवेयर की दुकानों में मिल जाती है दोस्तों, ये इसका नाम स्प्रिंग वाल है। ये देखिए इस तरीके से मिल जाती, पैकिंग भी होती है उसमें। ये देखिए इस तरीके से जो टुल्ला है इसका, ये अंदर की तरफ करके हमने फिट कर देना होता है दोस्तों, ताकि प्रेशर से वो आगे को पानी रोक भी रखे और चल भी जाए दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से ये पानी रोक के रखेगा मोटर में और सूखने नहीं देगा। इस तरीके से ये पानी सूख रहा था दोस्तों जब ये टूटा था, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से लगा रहे हैं। अब दो नट लगा के अब मोटर को कस देंगे दोस्तों। देखिए दो नट जो हमने खोले थे दोस्तों वो लग चुके हैं, अब मोटर के साथ कनेक्ट करना है हमने इसे दोस्तों सीधे देख के। ये देखिए दोस्तों और सारे भी मोटर के मोटर फिट करना भी दिखाया दोस्तों वीडियो मैंने, और सारी वीडियो बनाई है, ऊपर आई बटन में दे दूँगा दोस्तों, जाके देख लेना। हैंडपम्प की लिस्ट भी है, कई सारे प्ले लिस्ट है हमारे चैनल में, जाके देख लेना। ये देखिए कुछ इस तरीके से मोटर कसी जा रही है दोस्तों। अब इसके बाद पानी आ जाएगा, मैं दिखाऊंगा अभी कुछ देर में दोस्तों। जो स्प्रिंग वाल पानी छोड़ रहा था वो नहीं होगा अब। ये देखिए कसा जा रहा है, थोड़ा सा चाबी से कस देंगे दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से लगभग ये जब कस के हो जाएगा दोस्तों, फिर अब हम हैंडपम्प चला के दिखाएंगे। इसके बाद जब हैंडपम्प चला देंगे तो अच्छे से काम करने लगेगा, क्योंकि पहले के जो वाशर थी दोस्तों ये स्प्रिंग वाल वो टूट गई थी दोस्तों, अब ये जब हमने नए लगाई थी ये सही काम कर रही है। देखिए इस तरीके से हैंडपम्प में पानी आने लग गया दोस्तों, ये देखिए पानी आ गया। अब ये मोटर से जो पाइप लगा है उसमें भी पानी आएगा दोस्तों, अगर सही काम करेगा तो इसमें पानी आता है दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से अब आएगा इसमें पानी, ये देखिए आने लग गया दोस्तों। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होने जा रही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक दोस्तों में शेयर, और ज़्यादा अच्छी लग गई हो तो दोस्तों कमेंट कर देना, और नए आए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि प्लम्बर की लेटेस्ट वीडियो आप तक टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के लिए वीडियो यहीं ख़त्म हो रही दोस्तों, ओके बाय बाय टाटा।